एसएसपी 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। बिहार की राजनीति की अगर यहां आप बात करें तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में भी सीबीआई और ईडी पहुंच चुकी है। अभी तक तो देखा जा रहा था कि तेजस्वी यादव के विधायकों के यहाँ छापा पड़ता नजर आ रहा था, लेकिन अब यहाँ तेजस्वी यादव को लेकर गिरफ्तारी की जो बातें आ रही है वो कहीं ना कहीं भविष्य में सच होती हुई नजर आने वाली है। इसी बीच आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में एक इंसान की और एंट्री हो चुकी है और यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर यहाँ तेजस्वी यादव को बचाया जाएगा। आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उनके घर जाकर मुलाकात की है। शनिवार की रात लगभग 9 बजे मनोज वाजपेयी पटना स्थित राबड़ी आवास पहुंचे, जहाँ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मनोज वाजपेयी का स्वागत किया। तेजस्वी के साथ जाकर मनोज वाजपेयी ने लालू प्रसाद से भी उनके कमरे में जाकर मुलाकात की और लालू की तबीयत के बारे में जाना। मनोज वाजपेयी के सामने आते ही लालू ने उनको पहचानते हुए भोजपुरी में कहा कि का हाल बाय मनोज। इसी बीच यहाँ मनोज वाजपेयी ने मुस्कुराते हुए सब ठीक होने का जवाब दिया। मनोज वाजपेयी ने लालू की तबीयत को लेकर विस्तार से जानकारी ली। करीब आधे घंटे तक चले मुलाकात में लालू खुश दिखे और मनोज वाजपेयी से खुश बातें की। लालू को किडनी की बीमारी और इलाज को लेकर सिंगापुर जाने को भी जानकारी दी गई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मनोज वाजपेयी से मुलाकात को लेकर ट्वीट भी किया। इसी बीच तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी और लिखा है कि बिहार की माटों के लाल हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध एवं संजीदा अभिनेता पद्मश्री श्री मनोज वाजपेयी श्री आवास पर मिलने पहुंचे और पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी के स्वास्थ्य लाभ की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मेहनत व काबिलियत के बदौलत फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बना बिहार को गौरवान्वित किया है। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने लालू से मुलाकात के बाद काफी देर तक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से बातचीत की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मनोज वाजपेयी ने डिप्टी सीएम तेजस्वी के साथ बिहार के फिल्म इंडस्ट्री के बढ़ते आकार और भविष्य के बिहार में फिल्म इंडस्ट्री की ओर बेहतर बनाने पर भी बातचीत की। भोजपुरी के साथ हिंदी फिल्मों की शूटिंग बिहार में कैसे हो, माहौल कैसे बदला जाए, इस पर भी दोनों लोगों की बातचीत हुई। हालांकि बिहार में फिल्म सिटी को लेकर कई कलाकारों ने रुचि दिखाई और भोजपुरी के साथ हिंदी फिल्मों की शूटिंग के लिए भी प्रस्ताव रखा है, लेकिन अभी तक बिहार में फिल्मों के निर्माण को लेकर माहौल नहीं बन सका। और इसी बीच यहाँ पर जिस अहम मुद्दे पर बात हुई वो भी आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को लेकर गिरफ्तारी की जो बातें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं सच हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं तमाम पार्टी के ऊपर अपना जोर आजमाइश कर रही हैं। और इसी बीच यहाँ पर मनोज वाजपेयी अगर लालू प्रसाद यादव से मिले हैं तो यहाँ पर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि मनोज वाजपेयी जो है वो यहाँ पर आरजेडी का साथ देंगे आने वाले चुनावों में। देखा जा रहा है जिस तरीके से नीतीश और तेजस्वी की जो सरकार बनी है उसको देखकर कहा जा रहा है कि शायद मनोज वाजपेयी भी राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो शायद यहाँ पर जो नीतीश और तेजस्वी की सरकार है और लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है यहाँ उनका साथ देखकर शायद राजनीति में कुछ बदलाव आ सकता है। इसी से मिलता जुलता वीडियो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह तेजस्वी यादव ने मनोज वाजपेयी का स्वागत किया और लालू प्रसाद यादव ने कैसे बैठकर मुलाकात की। देखिए हमारा ये वीडियो अंत तक। हमारी स्क्रीन पर आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने आपको दिखाया है कि कैसे मनोज तिवारी मनोज वाजपेयी यहाँ पर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से मिलते नजर आए हैं। हिंदी फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी शनिवार देर रात पटना में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे थे। इसी बीच यहां पर जो कयासों का बाजार गर्म हुआ है वो इसलिए है कि यहां अचानक से मनोज वाजपेयी का लालू प्रसाद यादव से मिलना क्या कहलाता है। इसका मतलब ये मान लेना चाहिए कि जो मनोज वाजपेयी हैं वे अब कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं या फिर वो किसी और मकसद से यहाँ पर लालू प्रसाद यादव से मिले। इस चीज़ को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट में लिखा है कि बिहार की माटी के लाल और हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध और संजीदा अभिनेता मनोज वाजपेयी जी आवास पर पहुँचे और पिता लालू प्रसाद यादव जी के स्वास्थ्य लाभ की जानकारी ली। तेजस्वी ने लिखा है कि मनोज वाजपेयी ने मेहनत और काबिलियत की बदौलत फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाकर बिहार को गौरवान्वित किया।
इसी बीच इस ट्वीट के साथ तेजस्वी ने कुछ फोटो भी शेयर की हैं। इनमें से एक में मनोज वाजपेयी को हाथ जोड़कर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का अभिवादन करते हुए देखा जा सकता है। अन्य तस्वीरों में वह लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से बैठकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव ने एक फेसबुक पोस्ट पर लिखा है, जाने माने अभिनेता मनोज वाजपेयी मिलने पहुंचे, आवास पर स्थित गौशाला भ्रमण की इच्छा जताने पर उन्हें गौ माता के दर्शन भी कराए। इसके बाद रांची की एक सीबीआई अदालत ने पिछले हफ्ते लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट वापस करने की इजाजत दे दी थी, क्योंकि इस बीच यहां पर ये देखा जा रहा था कि इसके बाद वो अगले हफ्ते इलाज के लिए सिंगापुर रवाना होने वाले हैं। लालू प्रसाद के वकील ने बताया था कि अदालत ने हमें इस बात का हलफनामा देने को कहा है कि इलाज कराकर वापस लौटने के बाद हम अपना पासपोर्ट वापस जमा करा देंगे। उन्होंने बताया था कि यह हलफनामा सोमवार को जमा करा दिया जाएगा। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में सजा सुनाई गई है, इस समय वो जमानत पर बाहर है। लालू प्रसाद यादव पिछले काफी समय से किडनी से जुड़ी समस्या से परेशान हैं। नई दिल्ली के एम्स में इलाज कराकर वापस लौटने के बाद वो पटना में ही रह रहे हैं। इस साल के शुरू में उनके दाहिने कंधे में फ्रैक्चर हो गया था। इसी बीच आपको यहाँ पर बता दें कि मनोज वाजपेयी का मिलना यहाँ राजनीतिक सियासियों को और ज़्यादा गर्म कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जिससे मनोज वाजपेयी को अचानक से यहाँ पर आरजेडी सुप्रीमो से मिलना पड़ा। लेकिन इस बीच यहाँ पर तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी की बातें भी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुकी हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को लेकर जो सियासी बाजार गर्म हो गया है वो ये है कि आखिरकार तेजस्वी यादव यहाँ पर क्या कर दिखाएंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी को लेकर चर्चाएं बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं। इस बीच यहाँ पर बता दिया जाए कि आखिरकार क्या तेजस्वी यादव यहाँ पर गिरफ्तार होंगे भविष्य में या नहीं, ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को लेकर सियासियों का बाजार तो गर्म हो ही चुका है, लेकिन यहाँ पर इस बीच देखा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव इतनी आसानी से अपने बेटे को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। लेकिन IRCTC घोटाले मामले में डिप्टी CM को नोटिस तो पहुँच ही चुका है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं ये देखना और भी ज्यादा दिलचस्प होगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा SPN9 News। धन्यवाद।